हाँ भाई, बंधवा ली राखी। तुमने अपनी बहन से राखी तो बंधवा ली है, उसे गिफ्ट नहीं दोगे? नहीं चाचू, मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट यही है कि मेरे भाई मेरे साथ हैं। मैं अपने भाई को परेशान नहीं देख सकती। परेशान मत हो, गिफ्ट नहीं है तो गिफ्ट के लिए पैसे दे दे, है ना? ये लो, ये लो, गिफ्ट के लिए अपनी बहन को पैसे दे दो, वो अपने मन पसंद का गिफ्ट ले आएगी, है ना? अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना, है ना? मैं काम पर चलता हूँ। जी चाचू, मैं अपना और सुमन का ध्यान रखूंगा। अब बेफिक्र होके काम पे जाओ। छुट्टी का टाइम हो गया, अब चलता हूँ। चंदर, कहाँ जा रहे हो? सर घर जा रहा हूँ, छुट्टी का समय हो गया है। लेकिन मैंने तुमसे कहा था ना कि काम का प्रेशर ज्यादा है, तुम्हें 2-3 घंटे ज्यादा रुकना पड़ेगा। सर मैंने आपसे पहले ही कहा था, मैं ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकता रात में। मेरे घर में 2 बच्चे हैं छोटे, जिन्हें मैं रात को अकेला नहीं छोड़ सकता। देखो, मैंने तुम्हें यह काम करने के लिए रखा है, अपनी परेशानी बताने के लिए नहीं। तुम्हारी जो कोई भी परेशानी है तुम उसे अपने पास रखो, जाओ चुपचाप काम में लग जाओ। सर लेकिन सर्वर कुछ नहीं, जाओ चुपचाप अपना काम करो, और काम नहीं कर सकते हो तो अपने घर जाओ, और कल से यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ से चला गया तो ये मुझे काम से निकाल देगा, फिर घर का खर्चा कैसे चलेगा? पता नहीं चाचू कहाँ रह गए, और दिन तो टाइम से घर आ जाया करते थे। भैया पता नहीं चाचू कहाँ रह गए, अभी तक नहीं आए। बहुत जोर से भूख और लग रही है। चाचू आप आ गए, इतनी देर कहाँ लगा दी आपने, हमें बहुत जोर से भूख लग रही है। आपको पता है ना हमें रात में डर भी लगता है। हाँ बेटा, मैं लेट हो गया, मालिक ने रोक लिया, वर्कशॉप में काम ज्यादा था इसलिए लेट हो गया। तुम दोनों हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ, ठीक है? चाचू कोई कहानी सुनाओ ना। कहानी सुननी है मेरी बिटिया को? हाँ बेटा सुनो। एक राजा था, एक रानी थी, उनके घर में कोई संतान नहीं थी। रोज भगवान से प्रार्थना करते थे कि हमारे घर में कोई संतान हो जाए, और कुछ दिनों के बाद उनके महल में एक राजकुमारी का जन्म होता है। बहुत सुंदर थी वो, बिल्कुल तुम्हारी तरह। जब तक कोई और काम नहीं मिल जाता तब तक मैं ये काम नहीं छोड़ सकता, और दोनों बच्चों को भी इतनी रात तक अकेला नहीं छोड़ सकता। ऐसा भी तो कोई नहीं है जो इनके पास रह ले। चाची से बात करके देखता हूँ, शायद वो हमारे पास रहने को तैयार हो जाए। सुबह बात करूँगा। बेटा मोहन,
सुमन मैंने तुम्हारे लिए खाना बना दिया है, ठीक है? किचन में रखा हुआ है, टाइम से खाना खा लेना, ठीक है? दोनों, ठीक है? भूलना नहीं, मैं तैयार होता हूँ, है ना? वर्कशॉप जाना है मुझे। जी चाचा जी, हम खाना खा लेंगे, अब चिंता ना करें। बस आप शाम को जल्दी घर आ जाना, हमें अकेले में डर लगता है। तुम चिंता मत करो, मैंने चाची को फोन कर दिया है, वो आ जाएंगी। चाचू एक बात बताओ, आपने हमारी चाची को बुलाया है, अपनी चाची को? हाँ चाचू, मोहन भैया सही कह रहे हैं। तुम दोनों सुबह सुबह फिर शुरू हो गए? तुमसे मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं होती क्या? तुम क्या चाहते हो, क्या मैं भी राजू की तरह शादी करके फंस जाऊँ? देखा नहीं तुम दोनों ने, राजू की बीवी ने राजू की क्या हालत कर दी है। राजू की जान को आए रहती है, अब ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, अब ये ले आओ, वो ले आओ। राजू अंकल की बीवी को छोड़ो, सुषमा आंटी कितनी अच्छी है, जब भी मिलती है हमें बहुत प्यार करती है और हमारे लिए बहुत सारे गिफ्ट लाती है। चाचू आप एक काम क्यों नहीं करते, आप सुषमा आंटी से शादी क्यों नहीं कर लेते? चाचू मोहन भैया सही कह रहे हैं, आपका तो हम सुषमा आंटी से बात कर लेते हैं, अगर आपको अपनी शादी की बात करने में शर्म आती है तो। अच्छा दादी अम्मा, अब तुम मेरी शादी की बात करोगी? अरे सुषमा तुम आओ आओ बैठो। चाचू कान करो। चाचू आप कहो तो मैं आंटी से बात करूं। ये सुमन क्या कह रही है? कुछ नहीं, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। चाचू अब बैठिए, मैं पानी लेके आता हूँ। नहीं नहीं तुम बैठो, मैं लेकर आता हूँ। बोला ना चाचू मैं पानी लेके आता हूँ, अब सुषमा आंटी के साथ बैठ के बातें कीजिए। क्या बात है, कुछ बोलोगे नहीं? क्या बोलूं, बच्चों को लेकर चिंता में हूँ। बच्चों को लेकर चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, मैं हूँ ना, कुछ दिन की बात है, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे, फिर मैं अपने आप सब संभाल लूंगी, और हाँ राजू की बीवी की तरह नहीं करूंगी मैं तुम्हारे साथ। अच्छा वो सब छोड़ो, कैसे आना हुआ, कुछ काम था क्या? कोई काम होगा तभी आऊंगी क्या मैं, वैसे नहीं आ सकती। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब था, आज मेरी छुट्टी थी तो मैंने सोचा घर रहने से अच्छा है कि बच्चों के साथ रह लूं। अगर तुम कहो तो बच्चों को मैं पार्क घुमा लाऊं। पूछने की क्या जरूरत है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। चलो बच्चों आज हम पार्क चलते हैं घूमने। अच्छा मैं तो काम पर चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है, ठीक है? ये बच्चे कहाँ गए? किधर गए बच्चे? बच्चे किधर गए? कहाँ ढूंढूं? कहाँ गए?
हे श्याम बाबा, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तुम दोनों कहाँ चले गए थे? मैं परेशान हो गई तुम्हें ढूंढ ढूंढ के। आंटी सुमन को प्यास लग रही थी तो मैं उसे पानी पिलाने गया था। मुझे बताते, तुम्हें प्यास लगी है तो मैं पानी पिला के लाती। तुम दोनों को ना देखकर मेरी जान निकल गई थी। सॉरी आंटी, हमसे गलती हो गई, हमको आपको बताना चाहिए था। ओके, आगे से ऐसा नहीं करना। आगे से ऐसा नहीं करेंगे। तुम्हें पता है बच्चों को पकड़ने वाले घूम रहे हैं, बच्चों को अकेला देखकर उठा ले जाते हैं। चलो अब घर चलते हैं। क्या बात है, तुम गई नहीं? नहीं, मैं अभी नहीं गई। तुम हाथ मुंह धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। तुमने खाना खाया या नहीं? मैं घर जाकर खाऊंगी, वो सुबह थोड़ा खाना ज्यादा बन गया था। अगर मैं यहाँ खाऊंगी तो वो खराब हो जाएगा। कोई नहीं, मैं बाद में खा लूंगा, तुम्हें लेट हो जाएगा, वैसे ही समय बहुत खराब है। जैसे उस दिन खाया था, आकर देखा तो सारा खाना ऐसे ही रखा था। वो तो मेरी उस दिन तबीयत ठीक नहीं थी। और आज कैसी है? आज तो मैं चकाचक हूँ। समय को बिताने से अच्छा है कि खाना खा लो। और क्या, आधी रात को खाओगे? ज्यादा कहूँगी तो फिर ये बोलोगे कि ये भी राजू की बीवी की जैसी है। वैसे आप मुझे बताओगे कि ये राजू की बीवी है कौन? ये जो मनगढ़ंत कहानियां सुनाते फिरते हो ना सबको, मुझे सब पता है। चलो अब खाना खा लो। मोहन इधर आओ बेटा। बेटा राजू है ना, मैंने उसे बुलाया है, वो आ रहा है। राजू अंकल जो आपके मामा के लड़के हैं? हाँ बेटा वही, तुम्हारी देखभाल के लिए बुलाया है। आजकल मुझे आने में देर हो जाती है ना, इसलिए। अरे राजू आ गए तुम, और कोई रास्ते में आने में दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं भैया, कोई परेशानी नहीं हुई। और गांव में सब ठीक ठाक है ना? हाँ भैया सब ठीक ठाक है। चाचा जी। हाँ कहो बेटा, क्या बात है? चाचा जी सुमन को भी पढ़ना है, सुमन का भी एडमिशन करवा दो। मेरे साथ स्कूल में रहेगी तो मैं इसका ध्यान रखूंगा। वैसे भी राजू अंकल दिन में इधर उधर निकल जाते हैं। अब तक मैं स्कूल की छुट्टियां थी तो मैं इसका ध्यान रख लेता था। तेरी पढ़ाई का खर्चा बड़ी मुश्किल से निकल रहा है, उसकी फीस कैसे भरूंगा? तुम्हें तो पता है बेटा मेरी कितनी कम सैलरी है। मैं राजू से बात करता हूँ, सुमन को घर पे अकेले छोड़ के ना जाएगा। राजू, राजू, अरे राजू कहाँ है भाई? राजू अंकल तो सुबह सुबह ही निकल गए, बोल रहे थे मैं अपने गांव जाऊंगा, मेरा यहाँ पे मन नहीं लग रहा। चलो कुछ दिन के लिए सुमन को ना आंटी अंकल के पास छोड़ आते हैं, वो इसे अच्छे से रख लेंगे। वैसे भी तो ये काफी दिन उनके पास रह के आती है ना। चलो चलते हैं, ठीक है? ठीक है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते चंदर बेटा, आओ आओ अंदर आओ। अरे साथ में सुमन और मोहन भी आए हैं। कहो चंद्र बेटा, कैसे आना हुआ? अंकल जी मैं इसलिए आया था कि सुमन को कुछ दिन के लिए आपके पास छोड़ जाऊं। बेटा रख तो लेते, पर आजकल तुम्हारी आंटी की तबीयत खराब चल रही है,
अभी वो 2-3 दिन से बहन के पास है, वहीं से ही दवाई चल रही है। मैं भी वहीं जाने की तैयारी में हूँ। नहीं तो बेटा, हमने कभी मना नहीं किया। तुम्हारी आंटी का तो इन दोनों बच्चों के साथ खूब मन लगता है। रुको रुको जरा, तुम्हारी यूनिफॉर्म कहाँ है? इसके पास ड्रेस नहीं है, आज ही मेरे साथ आई है। मतलब? एक सेकंड, आप मेरी बात सुनिए, इधर आइए। वो क्या है कि ये बिन माँ बाप के बच्चे हैं, मैं काम पे चला जाता हूँ, इनका पीछे से कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। तो भैया, ये अपने भाई के साथ क्लास में बैठ सकती है? अरे भाई, इसका एडमिशन हुआ है तो ये बैठ सकती है। नहीं, इसका एडमिशन नहीं हुआ। तो ये अपने घर बैठे, स्कूल है ये, अनाथालय नहीं। क्लास में तो वही बैठ सकते हैं जिनका एडमिशन हुआ हो। तुम तो अपनी क्लास में जाओ, स्कूल का टाइम हो गया है। मैं नहीं जाऊंगा क्लास में जब तक मेरी बहन मेरे साथ नहीं जाएगी। अब मैं इसके एडमिशन के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? कहाँ छोड़ूं मैं इसे? अरे भाई, स्कूल में जाना है तो जाओ, मेरा टाइम खराब मत करो। लो बेटा, प्रसाद लो। बाबा, ये किस चीज का प्रसाद है? बेटा, ये श्याम बाबा की आरती का प्रसाद है। इससे क्या होता है? बेटा, बाबा श्याम का प्रसाद पाने से बाबा का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में कभी कोई संकट नहीं आता है। अच्छा बाबा। हाँ बेटा, पर आपकी बाबा के प्रति सच्ची भावना होनी चाहिए। बाबा, अगर हम श्याम बाबा से सच्चे मन से मांगेंगे तो हमें वो मिल जाएगा? बेटा, सच्चे मन से मांगोगे तो अवश्य सब मिलेगा। वो सबकी इच्छा पूरी करते हैं, सबके दुख दूर करते हैं, तुम्हारे भी दुख दूर करेंगे। लो प्रसाद। भैया, क्या मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी? तुम स्कूल जरूर जाओगी। चलो श्याम बाबा के मंदिर चलते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। लो पहले प्रसाद खा लो। हे श्याम बाबा, मेरी बहन को स्कूल जाना है, इसका एडमिशन कराना है। बाबा, आप सबकी सुनते हो, मेरी भी प्रार्थना सुन लीजिए, मेरी बहन का एडमिशन करा दीजिए बाबा। सुनो बेटा, तुम मोहन हो ना कुलदीप के बेटे, और ये तुम्हारी बहन सुमन है ना? आप कौन हैं? मैं तुम्हारे पिताजी का दोस्त हूँ बेटे। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। आप हमारे पापा को जानते थे? हाँ बेटा, बहुत अच्छे से, उन्होंने मेरी बहुत सेवा की थी।
पंडित जी जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। बैठिए। पंडित जी, ये कल सुबह बाबा के श्रृंगार के लिए पैसे हैं। अंकल, मुझे मेरी बहन को पढ़ाना है, इसे भी स्कूल जाना है। हाँ बेटे, मैं जानता हूँ। आपको कैसे पता चला? अभी तो तुमने मंदिर में कहा था। हे श्याम बाबा, मेरी बहन को स्कूल जाना है, इसका एडमिशन कराना है। बाबा, आप सबकी सुनते हो, मेरी भी प्रार्थना सुन लीजिए। कई बार कुलदीप ने मेरे ऊपर पैसे भी खर्च किए। आज तुम्हें अपनी बहन के एडमिशन के लिए पैसे चाहिए तो मेरा फर्ज बनता है तुम्हें पैसे देकर अपना फर्ज पूरा करूं। ये लो पैसे, अपनी बहन का एडमिशन कराओ। सर, मुझे आपसे कुछ काम था। हाँ बोलो। वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। चंद्र, तुम पहले ही इतना एडवांस ले चुके हो। देखिए सर, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मुझे सुमन का एडमिशन कराना है। चंद्र, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैंने वर्कशॉप के लिए माल खरीद लिया है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। चलो घर चलते हैं। ठीक है भैया। अरे मोहन, सुमन, तुम यहाँ कहाँ घूम रहे हो? हम श्याम बाबा के मंदिर से आ रहे हैं। अच्छा, तुम दोनों बाबा श्याम के मंदिर गए थे, वेरी गुड। लेकिन ये पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? वो चाचू, चलो घर चलते हैं। अरे ये महेश भाई का फोन कैसे आ रहा है? हेलो। हेलो। हाँ बोलो महेश भाई। बात ये है चंद्र भाई, जिस मकान में तुम रहते थे उसका मालिक अचानक से बिना बताए आ गया है, अभी तुम वहाँ कुछ दिन मत जाना। महेश भाई, ये क्या कह रहे हो आप? अब एकदम से दोनों बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊँगा? ऐसा करो, मेरे पास धौलागढ़ में एक मकान और है, तुम कुछ दिन के लिए वहाँ चले जाओ। मैं समझ सकता हूँ तुम परेशानी में हो, लेकिन मैं भी क्या करूँ। कोई बात नहीं महेश भाई, मैं समझ सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम। आपने तो हमारा इतना साथ दिया है, इतना तो कोई अपना भी साथ नहीं देता। वो महेश भाई, हमारा कुछ सामान है वहाँ पे। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सारा सामान पैक करवा के वहाँ भिजवा दूँगा। ठीक है महेश भाई। पता नहीं ये परेशानी कब हमारा पीछा छोड़ेंगे। क्या हुआ चाचू? कुछ नहीं बेटा। कुछ तो बात है, फोन पे महेश अंकल थे ना, मकान के लिए कुछ बात कह रहे थे क्या? अब हमें दूसरे मकान में रहना पड़ेगा। कोई बात नहीं चाचू, हम दूसरे मकान में रह लेंगे, अब परेशान मत हो। श्याम बाबा जल्दी ही हमारा अपना मकान बनवा देंगे, मुझे बाबा पे पूरा भरोसा है। चाचू चलो चलते हैं। अरे ये राजू यहाँ कहाँ घूम रहा है? अरे चंद्र भैया, आप यहाँ कैसे? मुझे छोड़, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? तू बता, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? और बिना बताए तू पता नहीं कहाँ चला जाता है। मैंने तुझे बच्चों की देखभाल के लिए बुलाया था और तू बिना बताए पता नहीं कहाँ चला गया उस दिन। वो भैया, घर में हमारा पूरा दिन मन नहीं लगता, इसलिए बाहर घूमने चले गए। गांव में भी हम, घर में कम, बाहर घूमते रहते हैं हमेशा।
फिर मैं इसलिए गांव चला गया था। फिर मैंने सोचा घर में बच्चे अकेले कैसे रहेंगे, तो भैया मैं चला आया। चाचू ये लो पैसे रख लो, कल सुमन का एडमिशन करवाने चलेंगे, ये पैसे वहाँ देने पड़ेंगे। तुम ही रख लो अपने पास, कल सुबह स्कूल चलेंगे ना, तब ले लूंगा। आओ बेटा आओ, पैसे निकालो, कहाँ रखे हैं? ये लो चाचू पैसे। राजू, राजू कहाँ हो? राजू इधर आओ भाई। जी भैया आया। हाँ हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ। इतने हॉपलेस से क्यों लग रहे हो? वो कुछ नहीं भैया, रात को अच्छे से सो नहीं पाए, कुछ नहीं। अच्छा चलो ठीक है, मैं इन बच्चों को लेकर जा रहा हूँ सुमन का एडमिशन कराने के लिए, ठीक है? तुम पीछे घर का ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है भैया, मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है, आ जाओ। ये क्या, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो अपने हाथों से तकिए के नीचे से पैसे निकाल कर अपने जेब में रखे थे, मेरे जेब में से दोबारा तकिए के नीचे कैसे पहुंच गए पैसे? मेरी तो समझ से बाहर है। अगर ये बात भाई को पता चल जाती तो मुझे धक्के मार कर घर से बाहर निकाल देता। ये क्या लीला है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसा लगा पहला दिन स्कूल में? अच्छा लगा भैया। सिर्फ अच्छा लगा? अच्छा नहीं। अच्छा नहीं? मेरे कहने का मतलब ये है, अच्छा नहीं बल्कि बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, तुम्हारी ये मतलब है? जी भैया। चलो बाहर चाचू इंतजार कर रहे होंगे, तुम्हारे यूनिफॉर्म भी लेना है, कल से तुम्हें यूनिफॉर्म में आना है। आज तुम्हारा एडमिशन हो गया है इसलिए तुम्हें क्लास में बैठने दिया बिना यूनिफॉर्म के। बाबा श्याम की कृपा से आज सुमन का एडमिशन भी हो गया, और जो मैंने रिडोर कंपनी को एक सैंपल डिजाइन करके दे रखा था ना, उन्होंने उसको बनाने के लिए भी सहमति दे दी अपनी, और मेरे साथ में उन्होंने पूरे 20 साल का एग्रीमेंट किया है। और मेरी सैलरी पता है उन्होंने कितनी रखी है महीने की? पूरे 1,00,000 रुपये, और साथ में हमें एक फ्लैट भी दिया है रहने के लिए। अच्छा फ्लैट भी दिया है, कल हम वहाँ पर रहने जाएंगे? हाँ बेटा, हम कल ही जाएंगे उस फ्लैट में रहने के लिए। सही कहा था उन बाबा ने, जो भी सच्चे मन से सच्चे भाव से बाबा श्याम से प्रार्थना करता है, बाबा उनके सारे संकट हर लेते हैं। बोलो खाटू नरेश की जय। पलिया सारी खुशियों का मानो
दोबारा पालिया, शाम तेरा।